दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप अपनी गैलेक्सी वॉच 4 पे व्हाट्सएप ही नहीं कोई भी ऐप जो आप चाहते हो अपने गैलेक्सी वॉच 4 पे इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप ये वीडियो किसी और वीडियो को देखने के बाद आ रहे हो जहां से आपने गैलेक्सी वॉच 4 पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की कोशिश करी और आप कहीं बीच में फंस गए, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी दिक्कतें बताऊंगा जो कॉमनली फेस कर सकते हैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हुए गैलेक्सी वॉच 4 पे। और फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या एक सही तरीका है जिससे आप गैलेक्सी वॉच 4 पे व्हाट्सएप ही नहीं और भी कोई भी ऐप जो आप चाहते हो वो इंस्टॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कैंडी क्रश हो, टिकटॉक हो, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने गैलेक्सी वॉच 4 पे। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, उससे यूट्यूब को थोड़ा हिंट मिलेगा कि ये वीडियो रिलेवेंट है। और अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले आपको डेवलपर मोड ऑन करना है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो ठीक है, वरना आपको जाना है अबाउट वॉच में, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको जाना है फिर सॉफ्टवेयर इन्फो में, वहां से क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन पे 7-8 बारी तो यहाँ पर नीचे लिखा आएगा डेवलपर मोड टर्नड ऑन। अब आप वापस जाएंगे तो आपको वो डेवलपर ऑप्शंस दिख जाएगा। आप जाएंगे डेवलपर ऑप्शंस में, स्क्रॉल करेंगे नीचे और ये ADB डिबगिंग जहाँ लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, येस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डिबग ओवर वाईफाई, इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनअवेलेबल आ रहा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो सेटिंग में जाके वाईफाई में अपने वाईफाई से एक बार चेक कर लीजिए आप कनेक्टेड है। एक बार वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो वापस से जाके चेक करेंगे और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिबग ओवर वाईफाई में आपको एक IP एड्रेस दिख रहा होगा, इस IP एड्रेस को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपने अपने फ़ोन पे एक इजी फायर टूल्स करके ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और स्क्रीन पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको जाना है सेटिंग्स वाले सेक्शन में और वहाँ पे आपने IP एड्रेस डालना है और क्लिक करना है ओके पे। उसके बाद आप वापस आएंगे होम स्क्रीन पे ऐप की और क्लिक करेंगे राइट में कनेक्ट के बटन को। उसके बाद ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा और आपको अपने फ़ोन और वॉच पे दोनों पे परमिशन देनी है ताकि आपकी वॉच और स्मार्टफोन पे एक कनेक्शन बन सके जिसके बाद हम ऐप साइड लोड कर सकेंगे अपनी गैलेक्सी वॉच 4 में। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे कनेक्टेड टू IP एड्रेस लिखा आ रहा है। अब इसके बाद सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड ऐप दिखती है तो यहीं से आप सोचते हैं कि मैं ऐप ट्रांसफ़र करके इंस्टॉल कर लूँ, लेकिन उससे होता क्या है क्योंकि आपकी वॉच का और फ़ोन का आर्किटेक्चर अलग है तो ऐप ट्रांसफ़र तो हो जाएगी लेकिन आपको अल्टीमेटली एक एरर आ जाएगा, फेल टू इंस्टॉल दी ऐप ऑन योर स्मार्ट वॉच। तो ये एरर ना है उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है apkmirror.com या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पे आप WhatsApp का APK डाउनलोड कर सकते हैं। अब WhatsApp का कोई ऑफिशियल VOS वाला वर्जन तो है नहीं तो यहाँ पे हम एक बीटा वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं APK और फिर इसको साइड लोड करने की कोशिश करेंगे ऑन दी गैलेक्सी वॉच 4। अब ये APK क्योंकि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज शो करता है दैट दिस फाइल में भी हार्मफुल, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये APKs किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। इन APKs को डाउनलोड करने के बाद आपने खोलना है इजी फायर टूल्स और फिर से कनेक्शन बिठाना है अपनी गैलेक्सी वॉच 4 और अपने फोन में। कनेक्शन हो जाने के बाद आपने क्लिक करना है कस्टम APK फाइल पे और सिलेक्ट करनी है जो APK आपने अभी डाउनलोड करी है, हमारे केस में WhatsApp, और क्लिक करेंगे फिर इंस्टॉल पर। आपसे भी पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करने का कंफर्मेशन देना है और उसके बाद शुरू हो जाएगा ट्रांसफरिंग का प्रोसेस। और गाइस यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये ऐप ट्रांसफर होने में कभी कभी 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं तो आप प्लीज़ पेशेंटली वेट करें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी गैलेक्सी वॉच 4 में व्हाट्सएप का ऐप आ गया है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये बोलेगा कि अब आप अपने फ़ोन से लिंक कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड। लेकिन यहाँ पे आती है दूसरी दिक्कत, क्योंकि ये जो QR कोड है ये पूरे स्क्रीन पे ढंग से फिट नहीं हो रहा है तो आप अपने फ़ोन से जब इसको स्कैन करने की कोशिश करोगे तो वो स्कैन होगा नहीं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि क्या इशू आता है, ये स्कैन करता ही नहीं है जितना भी आप इसको नज़दीक ले जाओ। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए आपको अपनी वॉच का DPI चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये एडवांस्ड ऐप जैसे कि बग जिगर या फिर जेमिनी मैन VOS मैनेजर की ऐप का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस ऐप को खोलने के बाद भी आपको सिमिलर सा प्रोसेस करना है, यहाँ पे डालना है IP और कनेक्ट पे क्लिक करना है और फिर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा ताकि आप अपनी वॉच 4 को और इस ऐप को कनेक्ट कर पाएँ। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये पूरा प्रोसेस इसी ऐप के साथ अगर करें तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार इस ऐप का और वॉच का कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें वो आपसे बोलेगा कि आप ज़्यादा ऐप्स को आप स्विच ना करें क्योंकि उससे फिर वो कनेक्शन टूट सकता है। अब इसके बाद ये आपसे ऐप पूछेगी कि अब आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर हमने क्लिक करना है सिलेक्ट APK पे और जैसा कि हम WhatsApp इंस्टॉल करना चाहते हैं तो WhatsApp का APK हम क्लिक करेंगे और अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ट्रांसफ़र होने का। इसमें आपको प्रोग्रेस बार नहीं दिखाता है गाइस, बट अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो ये वॉच 4 से 5 मिनट के अंदर आपकी वॉच पे इंस्टॉल हो जानी चाहिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है वॉच में, अब जाके वॉच में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हिसाब है। वॉच पे जाने के बाद देखेंगे WhatsApp इंस्टॉल हो गया लेकिन अभी भी वो इशू फिक्स नहीं हुआ होगा QR कोड वाला, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्लिक करेंगे लोड एग्जिस्टिंग कमांड पे। यहाँ पे लिखा है WM डेंसिटी 200, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जाके डेंसिटी 200 से 180 करेंगे
मैंने पहले 200 पे ट्राई करा था, तब भी वो QR कोड पूरे स्क्रीन पे पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने 200 से गिरा के 180 पे ट्राई करा। इस कमांड को रन करने के बाद अब जब आप वॉच को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि सारी ऐप्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया गाइस। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में फिक्स कर देंगे। और आपको खोल लेना है व्हाट्सएप और फिर स्क्रीन पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और फाइनली जब आप QR कोड पे पहुंच जाएंगे तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि मैं इस QR कोड को अब स्कैन करके लॉग इन कर पा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वॉच पे व्हाट्सएप लोड होना स्टार्ट हो गया है, अब वो मेरे मैसेजेस को डाउनलोड कर रहा है, रिसेंट मैसेजेस, और वो फिर इसको जब लोड कर देगा तब आप व्हाट्सएप को फुल फ्लेज्ड अपनी गैलेक्सी वॉच 4 पे यूज़ कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने सारे मैसेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो वॉच के थ्रू ही मैं मैसेज टाइप करके गूगल बोर्ड से मैसेज भेज भी सकता हूँ गैलेक्सी वॉच 4 के थ्रू। इतना ही नहीं गाइस, अगर मैं चाहूँ तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू एक कॉल भी इनिशिएट कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको परमिशन देना है और फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर सकते हो। तो गाइस अब डेंसिटी वापस से रीसेट करना मत भूलना। अब जाके ये कमांड चलाएंगे WM डेंसिटी रीसेट और फिर आइकन्स वापस से पुराने वाले साइज़ के हो जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।